हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कच्चा आलू लिया और कच्चे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। आलू के लच्छे को मैंने पानी में रखा था तो ये काले नहीं पड़े हैं, तो लच्छे को हम बाउल में डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप बेसन, आधा कप चावल का आटा, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती। अब सभी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम एक कप पानी डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने बैटर तैयार कर लिया है। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हम एक चम्मच तेल डालेंगे। और हमने जो बैटर तैयार किया था उसे हम कढ़ाई में डाल देते हैं। अब इसे हम लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए इसे हमें पकाना है। बैटर को लगातार चलाते हुए मैंने गाढ़ा कर लिया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं जो बैटर है वो डो के फॉर्म में रेडी हुआ है या नहीं। तो हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे उंगलियों पर इस तरह से घुमाएंगे तो डो मेरी उंगलियों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब है डो रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे 2 मिनट तक ढककर रखेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेंगे और डो को हम एक थाली में निकाल लेते हैं। तो मैंने एक थाली ली है, अब इस डो को हम इसमें निकाल लेते हैं। अभी जो डो है वो बहुत ही गर्म है, इसे छोड़ना पॉसिबल नहीं है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो डो को मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है, अब मैं इसे आसानी से छू सकती हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो डो को मैंने अच्छे से मिक्स करते हुए इसे चिकना कर लिया है। अब मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। जो डो है हम प्लेट पर रखेंगे और इसे अच्छे से फ्लैट कर देंगे। स्पैटुला की हेल्प या फिर आप कटोरी से भी इसे फ्लैट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे फ्लैट करती जा रही हूँ, सभी तरफ से एक जैसा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे फ्लैट कर लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। इसे मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, आप इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। आप इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं या फिर डायमंड शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। तो सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, एक पीस मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। अब हम चलते हैं गैस की ओर। पैन में मैंने तेल डालकर गर्म होने के लिए रखा है। तो इस नाश्ते को हम सेलो फ्राई करेंगे। तो एक एक करके सारे पीसेस हम पैन में रखेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए इस नाश्ते को हम पलट पलट कर सेलो फ्राई कर लेंगे। जितने पीसेस पैन में आ जाएंगे हम उतने रख देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे हम एक साइड से पकने के लिए छोड़ेंगे।
तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब इन पीसेस को हम पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक साइड से ये पीसेस गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। सारे पीसेस को हम पलट लेंगे। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो दूसरी साइड से भी ये पीसेस गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो नाश्ता रेडी हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो गर्मा गर्म नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।